हे गाइस वेलकम यू ऑल। अगर तुम्हारे पास गिटार है और तुम गिटार का जो ब्रिज पिन है उसको खरीदने के बारे में सोच रहे हो, या जो ग्रिप होती है, जो यू नो गिटार की जो स्ट्रिंग की जो ग्रिप होती है वो लूज़ होने लग गई है और तुम ब्रिज पिन खरीदने के बारे में सोच रहे हो, तो ये वीडियो डेफिनेटली तुम्हें हेल्पफुल होने वाला है। दिस इज़ मी वेलकमिंग यू। यार ये जो ब्रिज पिन दिख रहे हो ना, इसको मैंने 10th November 2020 को ख़रीदा था। एक साल हो चुका है और मेरे को अभी तक इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। इससे पहले वाला जो था वो थोड़ा सा 3-4 साल होने के कारण उसकी ग्रिप उतनी अच्छी नहीं बन रही थी, इससे बार बार ट्यूनिंग विनिंग का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तो इसको मैंने परचेज़ किया एंड नाउ इट इज़ वर्किंग वेरी फाइन। तो अगर तुम भी ख़रीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से तुम इजीली परचेज कर सकते हो, है ना। और कॉस्ट भी इकोनॉमिकल है, इट्स नॉट वेरी लाइक 179 रुपीज़ अभी चल रहा है, तो यूजुअली इसका डिस्काउंटेड रेट में ही मैंने भी परचेज किया था, लाइक इतना ही मोर और लेस इतना ही था रेट। तो यार तुम भी परचेज कर सकते हो, और यू नो जब तक अच्छा रिदम ना हो, जब तक अच्छा से साउंड ना निकले, मज़ा नहीं आता है। सो फॉर दैट, एक क्योंकि इसके लिए अच्छी ग्रिप होनी ज़रूरी है। अच्छी ग्रिप जो पिन्स होते हैं ना उससे ही होती है। जब ट्यून कर रहे हो बार बार वो अच्छा ग्रिप बन ही नहीं रहा है, तो एक कोर्स आवाज़ आता है, गंदा सा आवाज़ आता है ना। तो समझ सकते हो, अगर तुम्हारे पास गिटार होगा तो ये कोई समझना बहुत बड़ी बात नहीं है। सो गाइस, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से तुम इजीली परचेज़ कर सकते हो, राइट। अच्छा लगा है यार तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, लाइक भी करो। दिस इज़ मी शाइनिंग ऑफ फ्रॉम द स्पिरिट। हैव अ ग्रेट डे।